थैंक यू सर. अभी मैं बुलाना चाहूंगा जुडिशियल डिपार्टमेंट को और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे ऑनरेबल एमएलए सर श्री बीबी हरदर जी को काइंडली हैंड ओवर द चेक टू द कंसर्न ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट. थैंक यू सर. अभी मैं बुलाना चाहूंगा लैंड रेवेन्यू वेस्ट डिपार्टमेंट को काइंडली आप लोग आके रिसीव कर लें. इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम श्रीमती रानी लांचा मैडम काइंडली हैंड ओवर चेक टू लैंड रेवेन्यू वेस्ट. थैंक यू मैम. अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा लैंड रेवेन्यू ईस्ट को काइंडली वो भी आके अपना पेंडिंग सैलरी रिसीव कर ले. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री कुरेंद्र दालू घोष सर एग्जीक्यूटिव मेंबर इन चार्ज लैंड रेवेन्यू अशोका टू हैंड ओवर द चेक टू लैंड रेवेन्यू ईस्ट. Thank you, sir. Thank you, sir. अभी मैं बुलाना चाहूंगा सेटलमेंट डिपार्टमेंट को. सेटलमेंट डिपार्टमेंट फाइनली आप लोग आइए और अपना लास्ट 10 मंथ पेंडिंग सैलरी का चेक ले लें. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री महेंद्र कैम्परा सर एग्जीक्यूटिव मेंबर टू काइंडली हैंड ओवर द चेक टू द सेटलमेंट डिपार्टमेंट. अभी मैं बुलाना चाहूंगा जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट काइंडली कम ओवर आप काइंडली आके चेक रिसीव कर लें लास्ट 10 मंथ. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री सैमुअल सैमसन सर को एग्जीक्यूटिव मेंबर टू काइंडली हैंड ओवर द चेक ऑफ लास्ट 10 मंथ पेंडिंग सैलरी टू द जीएडी टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम. मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट काइंडली आगे आए और अपना 10 मंथ स्पेंडिंग सैलरी रिसीव करें. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री हिमबाबु छेत्री डिप्यूटी चेयरमैन टू काइंडली हैंड ओवर द चेक टू द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. Thank you, sir. Thank you so much. अभी बुलाना चाहेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट काइंडली आप आए. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री नामरोथंग मार जी को एग्जीक्यूटिव मेंबर एनसीएस ऑटोनॉमस काउंसिल टू काइंडली हैंड ओवर द 10 मंथ पेंडिंग सैलरी of the finance department. Thank you, sir. अभी मैं बुलाना चाहूंगा PWD EE and EO एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड एस्टेट ऑफिसर डिपार्टमेंट काउंसिल पीडब्ल्यूडी. मैं इस चेक को हैंड ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ श्री देवजीत भटारी सर एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड सिविल सर्विस काउंसिल टू काइंडली हैंड ओवर द चेक ऑफ द लास्ट 10 मंथ स्पेंडिंग सैलरी टू पीडब्ल्यूडी ईई एंड ईओ डिपार्टमेंट.
थैंक यू सर. मैं अभी बुलाना चाहूंगा पीडब्ल्यू सब डिवीजन डिपार्टमेंट, काइंडली कम आवर आपका चेक रिसीव करने के लिए. मैं इसको हैंड ओवर करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ श्री अमेंदु बजाज सर को, एग्जीक्यूटिव मेंबर एनसीएस ऑफ नॉर्थ काउंसिल. काइंडली हैंड ओवर द चेक ऑफ लास्ट 10 मंथ पेंडिंग सैलरी टू पीडब्ल्यू सब डिवीजन डिपार्टमेंट काउंसिल पीडब्ल्यू. थैंक यू सर. अभी मैं बुलाना चाहूंगा काउंसिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, काउंसिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आप आ जाए. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री पौदमी रियानी सर को टू काइंडली आप काउंसिल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लास्ट 10 मंथ पेंडिंग सैलरी का चेक हैंड ओवर करें. थैंक यू सर. मैं बुलाना चाहूंगा प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट टू काइंडली कम ओवर, एक बार आके आप अपना 10 मंथ पेंडिंग सैलरी रिसीव करें. इनके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री थाईसे 2000 सर, एग्जीक्यूटिव मेंबर एनसीएस ऑफ कॉमर्स काउंसिल. कृपया अपने हाथों से प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लास्ट 10 मंथ का पेंडिंग सैलरी का चेक हैंड ओवर करें. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. So this one is the heaviest department. Now I'd like to request primary education LP teachers ki aur se koi aaye, kripya wo. Thank you so much. मैं अभी बुलाना चाहूंगा कल्चरल एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, कृपया आप आगे आए और अपना चेक रिसीव करें. मैं इसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्री सुब्रत थाउसेंड सर को, एग्जीक्यूटिव मेंबर एनसीएस ऑफ कॉमर्स काउंसिल. सर थोड़ा इधर सर. थैंक यू सर. अभी मैं बुलाना चाहूंगा मार्केट डिपार्टमेंट, कृपया आप आ गए हैं. मैं मार्केट डिपार्टमेंट का चेक हैंड ओवर करने के लिए श्री इविंग पामे जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर एनसीएस ऑफ कॉमर्स काउंसिल. इधर इधर सर, ये दूसरी फोटो लेना चलता है. दूसरा फोटो लेते सुंदर से. थैंक यू सर. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोथ ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन, आप आइए. मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर सर श्री देवलाल गोलोसा सर को, कृपया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लास्ट 10 मंथ का पेंडिंग सैलरी का चेक और बोथ द डिवीजन ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन को हैंड ओवर करें.
फिनिश कर देंगे ना थैंक यू सो मच सर अभी मैं बोलना चाहूंगा हमारे सीनियर मोस्ट फोर के स्टाफ तीन लोग हैं ऑफिस ऑफ जीएडी ऑफिस पियोन है जो लाल रिंगलियन मार श्री लाल रिंगलियन मार आप कृपया मंच पे आए मन बहादुर सुनार सीनियर मोस्ट ड्राइवर और पंचम राउत सीनियर मोस्ट स्वीपर पीडब्ल्यूडी पंचम पटेल कृपया आप लोग स्टेज पे आए गन बहादुर सुनार इज द सीनियर मोस्ट ड्राइवर लालियन मार इज द सीनियर मोस्ट ऑफिस पियर And Pancham Raut, he is the senior most sweeper of Council PWD. So, thank you so much, sir, ma'am, and MLA sir. अभी हम लोग बुलाना चाहेंगे गांवराज को आज हम पास टू सेलिब्रिटी गांवरा को हम लोग आज चेक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो मैंने सबसे पहले बुलाना चाहूंगा लालियन थान पोंगलो पोंगलो लालियन थान पोंगलो लालियन थान पोंगलो डोंगल जीपी ऑफ तुमजांग वो भी आए केसविंग जेमी जीपी ऑफ आइसोंग वो भी आए सत्रोलाल होजाई आदे किंग लांचेरा से फॉरवर्ड का कृपया आप लोग आइए लाल नेता होंगलो आप लोगों ना महीना में 1500 और अभी 10 महीना के दिया अभी 15000 होगा ठीक है एज डोंगल जीबी ऑफ तुमजांग 8 महीना का है यार एज डोंगल जीबी ऑफ तुमजांग मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अमूल ने चरम बीबी हफजे सर को काइंडली हैंड ओवर टू से केसविंग जेमी जीबी ऑफ लाइसेंस केसविंग जेमी मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री ऑर्डरिंग रिया में सर को टू हैंड ओवर द चेक केसविंग जेमी जीबी ऑफ लाइसेंस संतोलाल हो जाए जीपी और थैसलिंग हम लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री अमेंद्र हो जाए सर को तो कृपया हैंड ओवर द चेक टू संतोलाल हो जाए जीबी और थैसलिंग हावर लाइक चल गया संतोलाल हो जाए जीबी ऑफ थैसलिंग हार्बर मैं श्री अमिंदु होजे सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड ओवर द चेक थैंक यू सर अभी मैं बुलाना चाहूंगा
श्री आदिलोंग लंकसा जीवी ऑफ कोरवा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा श्रीमती लालू मैडम ऑनरेबल चेयरपर्सन मैडम टू हैंड ओवर द चेयर Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. अभी हम लोग हमारी ओर से एक छोटा सा appreciation letter to be handed over to our honorable CM sir, chairperson ma'am, and the whole team for the successful completion of this, the giving of your the pending salary of our last 10 months. I'd like to request Sri Mukut Kemprai sir to kindly hand over a token of appreciation and letter of love to our honorable CM and his team for his thank you sir to give you an appreciation for all of us. Can we have a really big round of applause please? A big, big round of applause. Thank you so much sir. Thank you the whole team of Executive Committee, MLA sir, Chairperson ma'am, CM sir and executive members for successful completion of the task of clearing up the 10 months salary which was pending for long. अभी हम लोग अपना प्रोग्राम तो खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, पर हमारे बीच दो चार गेस्ट आए हुए हैं तो उनको भी हम लोग सेरेमोनियल एक फेलिसिटेशन करना चाहेंगे. मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि श्री अजय चक्रवर्ती MSc कांसिल ऑफ कॉमर्स काउंसिल काइंडली वो उनको भी फेलिसिटेट करें. थैंक यू सर. और हम देखो फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर को हमारे एक MSc श्री भदवनी लाल सर जी को भी फेलिसिटेट करें. थैंक यू सो मच सर. वी आर ऑलमोस्ट अवर हमारा ग्रेड फोर की ओर से अगर कोई भी स्पीच देना चाहता है छोटा सा, आप लोग वेलकम करते हैं यहाँ पे. अगर आप लोग एक बार आके आज का जो प्रोग्राम के बारे में अगर कोई दो चार शब्द बोलना चाहेंगे तो कृपया आप लोग आके बोल सकते हैं. ग्रेड फोर एम्प्लॉइज एनीवन, आप लोग कोई भी आज के प्रोग्राम के बारे में आके बोलना चाहेंगे. ग्रेड फोर एम्प्लॉइज एम्प्लॉय ऑफ द काउंसिल, आप लोग एक बार आके यहाँ से आप लोग का थैंक यू हमारे EM साहब CM साहब लोग को थैंक यू अपने तरफ से बोल सकते हैं. कोई अगर लेक्चर देना चाहता है, स्पीच देना चाहता है तो मैं अभी बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवराज गोलसा सर को कि वो अपना आज का स्पीच हमारे बीच रखें. सभी का नमस्कार. जुथाए आज काउंसिल का यही दिन हम लोग बहुत दिन से टाइम लेने के लिए कोशिश किया लेकिन बहुत टाइम लग गया. लेकिन आप लोग का आशीर्वाद से सबका आशीर्वाद से यही आज में टाइम मिला, हमें बहुत अच्छा लगा. और साथ में हम लोग का ये काउंसिल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साथ में काउंसिल के चेयरपर्सन श्रीमती रानू लंकसा जी और साथ में हम लोग का EM ओल EM और साथ में हम लोग का MLA और जितना भी यहाँ पे पियोन से लेके ऑफिसर तक हम लोग का परिवार दिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल का परिवार. तो ये प्रॉब्लम कितना साल से होते था लेकिन आज का भगवान का आशीर्वाद से आप लोग का आशीर्वाद से आज का दिन हम लोग ये फील्ड में हम लोग ये चेक जो दिया आप लोगों का ये बड़ा चीज़ तो नहीं है. तभी इस फील्ड में हम लोग
आप लोग से मीटिंग करके 10 महीना का सैलरी और परमानेंट सोल्यूशन और आप लोग का हर प्रॉब्लम का हर एम्प्लॉई का समस्या का हम लोग साथ में देगा बोल के हम लोग मीटिंग किया। इसीलिए हम लोग आज में आप लोग का ये सैलरी 10 महीना का सेरेमनी प्रोग्राम किया। इसमें कोई हम लोग पॉलिटिकली बेनिफिट देने नहीं मांगता है, लेकिन हम लोग अपना ड्यूटी कर रहा है, क्योंकि जो काउंसिल मिला, काउंसिल मिलने के बाद में हम लोग कितना सारा प्रॉब्लम था, मेरा पहले भी बहुत सारा प्रॉब्लम था हुआ, लेकिन क्या वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं सका, गवर्नमेंट का मदद से नहीं, गवर्नमेंट मदद नहीं मिला, ना पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, ना एग्जीक्यूटिव का साथ मदद नहीं मिला, वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं सका। लेकिन वो तो जो ऑपोजिशन पार्टी बार दूसरा सरकार बना के गया प्रॉब्लम, लेकिन इसमें आज में लेकिन आसाम गवर्नमेंट का आशीर्वाद से और हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर, मेरा एग्जीक्यूटिव कमेटी और साथ में हमारा MLA दीदी हगर जी साथ देके हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे हम थैंक्स देने मांगता है, धन्यवाद देने मांगता है आसाम सरकार का सर्वानंद सोनोवाल जी और डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी और साथ में मेरा MLA बेबी हगर जी और साथ में मेरा EM सैमुअल सैमसन से लेके जितना भी EM 13 मेरा EM है उसको सबको मैं थैंक्स देता हूँ और साथ में आसाम गवर्नमेंट को डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा और सर्वानंद सोनोवाल जी को आप लोग सब भी उसको स्वागत व धन्यवाद देके थालिया से आप लोग धन्यवाद दीजिए हम लोग, क्योंकि क्योंकि ये जो प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम हम लोग का सरकार का समय का नहीं था, जो मेरा सरकार BJP सरकार बना 2016 का जून का 11 में, उस टाइम में जो हम सैलरी पेंडिंग मिला था 10 मंथ्स का, तब भी 2 साल 4 महीना का सैलरी हम लोग 1 महीना भी पेंडिंग नहीं रखा है, तब भी हम लोग 10 महीना का सैलरी पेंडिंग था। तभी जो काउंसिल मिला उस टाइम में फिर सैलरी कैसा सॉल्व करेगा, हम लोग MLA से बहुत बार मीटिंग बैठा है, बहुत समय बैठा है, मिनिस्टर से भी बैठा है, चीफ मिनिस्टर से भी बैठा है, गवर्नर का पास भी किया है, तो सोल्यूशन क्या है। तो साथ में हम लोग का स्वीटी मैडम भी साथ में बैठा है, सैमुअल भी बैठा है, तो सोल्यूशन क्या होगा। तो उस टाइम में डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी ने बोला है आप पहले अपना घर ठीक करो, उसका बाद में आपका घर में हम लोग मदद करेगा, क्योंकि आप लोग का ऑटोनोमस काउंसिल है, 6 शेड्यूल एरिया है, तो आप कितना रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है, पहले उसको आप ठीक करो, उसका बाद में आसाम सरकार से जो मदद चाहिए हम लोग मदद करेगा बोल के हमको बोला था। तो उस टाइम में पहले तो पहले का सरकार में 65 दिए थे, अभी 119 दिए हो गया, होने का बाद में पहले दिग्विजय का सरकार व कांग्रेस सरकार में मंथली 3 करोड़ का आसपास देने लग रहा, लेकिन हम लोग का सरकार में 119 दिए करने के बाद में 6 करोड़ से आगे 6 करोड़ 32 लाख ऐसा देना पड़ता है, तो 50% डिफरेंस हो गया। तो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, पुराना सरकार पुराना गवर्नमेंट हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन होता था 17 करोड़, तो काउंसिल का सैलरी हम लोग कैसे दिलाने सकेगा। फिर हम लोग लास्ट टाइम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी बोला है, क्योंकि लास्ट ईयर में हम लोग का 42 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन किया है हम लोग, आप लोग सब मिलके साथ में देखे, तो पहले तो और भी रेवेन्यू कलेक्शन होना था, क्यों होना था, पहले नेशनल हाईवे मांडेदिशा से लेके डिटिटोरा तक स्टोन बिक्री होता रहा, लेकिन हम लोग का समय में अभी नेशनल हाईवे भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट बंद हो गया, खत्म हो गया, तब भी हम लोग इस ईयर में हम लोग का अपना काउंसिल रेवेन्यू 32 करोड़ हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन किया है, आप लोग फॉरेस्ट का मदद से, टैक्सेस का मदद से, क्यों करने सका, हम कुछ भी नहीं है, हम छोटा उम्र में भी छोटा है, लिखा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हमसे लिखा पढ़ा वाला उम्र भी ज्यादा वाला एक्सपीरियंस वाला CM होने में क्यों रेवेन्यू कलेक्शन करने नहीं सकता है, क्योंकि उसका कारण क्योंकि दिमा हासव ऑटोनोमस काउंसिल को अपना घर नहीं सोचता है, अपना परिवार नहीं सोचता है, जो मिलता है उसको देता, जो नहीं मिलता नहीं मिलने दो,
ऐसा हो गया 10 महीना सैलरी पेंडिंग होके बैठा है। इसलिए हम लोग का जो बीजेपी सरकार आके खाली ये 10 महीना सैलरी देखे आप लोग का वोट मांगने के लिए हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग पॉलिटिकल मीटिंग करता है और काउंसिल का एम्प्लॉय एक दो बात हम बोलने मांगता है, आप लोग को रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि काउंसिल किस लिए दिया गया है, काउंसिल किस लिए मिला है हम लोग। भारत में सबसे पुराना काउंसिल हम लोग ही है, ओल्डेस्ट काउंसिल, तो क्यों काउंसिल मिला है हम लोग, तो आप लोग भी काउंसिल में सर्विस करके क्या ड्यूटी करने पड़ता है वो चीज हम लोग मालूम होना है। क्योंकि जब काउंसिल में हम सीएम मिला, हम कोई उसमें कोई धर्म नहीं देखा, कोई जात पात नहीं देखा, ये हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल दिया है 1952 का अप्रैल 29 में, किस लिए दिया गया है, जितना लोग बीमा हासों में रहता है, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, उसका प्रोटेक्ट करने के लिए उसका अपना ऑटोनोमस काउंसिल अपना देखभाल करने के लिए दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम काम कर रहे जा रहा है। तो इसलिए उसी हिसाब से आप लोग एम्प्लॉय को भी साथ में देना है, क्योंकि पुराना सरकार समय में 17 करोड़ हाईस्ट रेवेन्यू और मेरा सरकार में अभी 32 करोड़, दिस ईयर में 42 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन होगा, किस लिए, तो वो चीज आप लोग देखना है। क्योंकि आप लोग लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखिए, उसके बाद में टैक्सेस देखिए, फॉरेस्ट देखिए, क्योंकि जितना भी ईएम सीएम अपना डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोचने दीजिए, लेकिन आप लोग जो मान्य किए, जैसे कि इधर दियुम्बरा गेट, जैसे कि डिटिक्सोरा गेट में आप लोग ही बेचता है, उसमें बाहर का लोग डिस्ट्रिक्ट खुशी खुशी शेयर ले जाएगा, खुशी खुशी पेट्रोल ले जाएगा, हम लोग ईएम सीएम देखभाल करने नहीं चाहिएगा, उसमें आप लोग साथ में देना होगा। क्योंकि थोड़ा पहले सैमसन जी ने बोला है, आप लोग इस बार 77 करोड़ आप लोग का घर घर में पैसा जाएगा, जो जो सर्विस करता है उसे घर घर में जाएगा, लेकिन वो पैसा आप लोग गांव में खर्चा करेगा, आप लोग बाजार ही खर्चा करेगा, लेकिन आप लोग बाजार में जो दुकान पहले जो देखा रहा बाहर का लोग, लोग एक भी ट्रेडिंग लाइसेंस बना के नहीं रखा है, बस दुकान लाइसेंस नहीं था, ट्रेड लाइसेंस नहीं था, ऐसा माफी दिमा हासिल हम लोग का काउंसिल देने का मतलब क्या हुआ। तो पुराना जो सरकार सलाह के किया है उन लोग का सोचने से मैंने रोने के लिए दिल होता है। भगवान से और दिमा हासिल का लोग से अपना समाज, अपना धर्म, अपना कल्चर प्रोटेक्ट करके भारत स्वाधीन मिलने में हम लोग को काउंसिल दिया, देने का बाद में अपना गवर्नमेंट चलाओ बोल के दिया, देने का बाद में जो ईएम लोग जो सीएम लोग बन के आगे में गया, क्या अपना लाइफ चीज जीता है, जैसे कि अपना पिताजी का प्रॉपर्टी ऐसे वहां पे चला के गया है, ना लैंड रेवेन्यू ठीक करके गया है, ना काउंसिल का सैलरी का प्रॉब्लम सोल्व करके गया, ना बाजार का प्रॉब्लम सोल्व करके गया, ना दिमा हासिल का कुछ दिल्ली में बोलो, गुवाहाटी में बोलो, हम लोग का दिमा हासिल का एक भवन बोलो वा जो भी कुछ भी करके नहीं गया, जो मिलना था हम लोग नहीं मिला है। हम लोग शर्म का बात है, हम लोग का साथ में काउंसिल मिलने वाला तो आज के दिन में कोई भी ऑटोनोमस स्टेट मिल गया है, लेकिन हम लोग सैलरी का प्रॉब्लम इश्यू अभी भी हम लोग बोलने पड़ता है, तो वो इश्यू आप लोग हम लोग मिल के साथ में मिल के हम लोग काम करना है। रेवेन्यू 42 करोड़ हम लोग ये चीज तो हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग रेवेन्यू 42 करोड़ परमानेंट रखना है। तब हम लोग का आसाम सरकार ने हेमंत बिश्व शर्मा जी ने निपको भगवान से हम लोग का पानी दिया, वहां से करंट जनरेशन होता है, उस टाइम में एग्रीमेंट में भी हम लोग कुछ काउंसिल के लिए नहीं किया है, एक रुपया भी हम लोग का काउंसिल से मिलना है बोल के रेवेन्यू शेयर नहीं करा है, और लैंड जितना दिया उसका भी हिसाब नहीं है। अभी हम लोग का रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ईएम खुलेंद्र साहब से हम लोग बातचीत करके, एमएलए से बातचीत करके, एक्चुअली नेपको रेवेन्यू नेपको लैंड कितना यूज कर रहा है वो अभी हम लोग मालूम हुआ है, कितना साल से उन्हें कितना ज्यादा माटी यूज करके बैठा है, तो दुख का बात है। तो ऐसा माफी हम लोग लुंकू में, अभी लुंकू में लैंड का कुछ पैसा अभी दे रहा है, 24 करोड़ लैंड कॉम्पेंसेशन हम लोग दे रहे हैं अभी, तो उसमें खाली हम लोग निपको का जैसा करेंट जनरेशन होगा लैंड दे दिया, ऐसा नहीं है, आप लोग मालूम होना है, और आप लोग ऑफिसर लोगों अच्छा से ईएमसीएम लोगों का साथ में देना है, क्योंकि आप लोग तो परमानेंट है। थोड़ा पहले सैमुअल भाई जी ने बोला बात सही है, हम लोग का कल परसों पब्लिक हम लोग को फिर लेके आएगा तो हम लोग सीएमएम बनेगा, और पब्लिक लेके नहीं आएगा तो हम लोग फिर चला जाएगा। आप लोग को परमानेंट है, 15 साल 20 साल है,
तो वही सब चीज गलती नहीं होना है, क्योंकि आज का दिन में हम ही गलती करके जाएगा, हम लोग का बच्चा लोग हम लोग का फ्यूचर रोल क्या होगा। पुराना लीडर पुराना सरकार गलती खराब करके हम लोग सैलरी इशू में हम लोग दे दिया अभी, तो इसलिए अभी लुंकू में हम लोग एमओएस एग्रीमेंट किया है, क्या किया है आप लोग मालूम होना है, क्योंकि लुंकू में जो खरे निकलेगा अगर 100 रुपया वहां से खरे निकलेगा तो 100 रुपये हम लोग 5 रुपया काउंसिल मिलेगा। कल परसों देवलाल को बोलता है सीएम रहने दो, बीजेपी सरकार रहने दो, नहीं रहने दो, लेकिन काउंसिल के लिए 5% रेवेन्यू शेयरिंग के लिए हम लोग काउंसिल में हम लोग एग्रीमेंट करके किया है, तो वो एम्प्लॉई में सैलरी में बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में लुंकू में हम लोग जितना भी जॉब निकलेगा सर्विस हम लोग सब काउंसिल का सर्विस सर्विस होता है, काउंसिल में जो वैकेंसी नहीं देने चाहिए हम लोग भी, तब भी हम लोग का बाहर से जो अलग अलग सा इंडस्ट्री अलग अलग सा कंपनी आता है जैसे लुंकू उसमें कितना हम लोग एग्रीमेंट किया आप लोग मालूम होना जरूरी है। 80% दिमाग हंसा हुआ लोग यहाँ का अनएम्प्लॉय यूथ लोगों मिलने लगता है। 100 अगर निकलेगा तो 80 मिलेगा, 1000 निकलेगा 100 मिलेगा बोल के हम लोग एग्रीमेंट किया है। तो ऐसा माफी अगर नेपको में अगर खरीदने से आज का दिन में हम लोग रेवेन्यू भी मिलता रहा और यहाँ का अनएम्प्लॉय लोगों भी कितना अच्छा अच्छा नेपको में सैलरी पेट्रोल अच्छा फैसिलिटी होता वो मिलता रहा। तो भगवान से और भारत सरकार से आसाम सरकार से हम लोग का काउंसिल दिया है तो उसको हम लोग अच्छा से रखना है, क्योंकि ये काउंसिल हम लोग एक मंदिर जैसे हम लोग मानना है, आप लोग एम्प्लॉय भी मानना है सीएमएम भी मानना है, क्योंकि ये काउंसिल किस लिए दिया गया है, हम लोग का ट्राइबल नॉन ट्राइबल जितना लोग है उसका प्रोटेक्ट करने के लिए दिया है, लैंड राइट दिया है हम लोग का, तो उसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करके अपना मर्जी से चलाएगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर हम लोग का कहाँ है, हम लोग का कोई दिमाग आता हम लोग बाहर का आदमी बाहर में जाकर हम लोग बिजनेस सेटिंग करने नहीं सकता है सेटल करने नहीं सकता है, तो उसमें आप लोग एम्प्लॉय का मदद चाहिए हमको, हम सिलाता है रेवेन्यू कैसे जनरेशन होगा और दिमाग हासा होगा लैंड हम लोग फ्री में नहीं देना है। दालमिया पहले तो आप लोग मालूम होता होगा गानी बेच बोल के पैकिंग का पैसा मिलता रहा, लेकिन अभी दालमिया दालमिया सीमेंट अभी कहाँ दालमिया पैकेजिंग करता है आप लोग मालूम है कि नहीं है, रोमखा में पैकिंग करता है, पहले बिनाई सीमेंट में यहाँ में पैकिंग होता था, लेकिन अभी क्या खाने मिलता है हम लोग दिमाग का काउंसिल का दिमाग का एम्प्लॉई खाली दिउमरा का आदमी और लांगटिंग का उमरांसो का आदमी ढूला खाने मिलता है, वो चीज हम लोग बहुत नुकसान किया है। तो इसलिए हम लोग एक साथ मिलके काउंसिल का रेवेन्यू जनरेशन हम लोग करेगा। टूरिज्म के लिए हम लोग अभी शुरू हो गए, हम लोग इस ईयर में फेलकॉन फेस्टिवल खड़ा बाहर का लोग बहुत आना शुरू हुआ तो इनकम सोर्स अभी बना रहा है बढ़ रहा है। ऐसा माफी हम लोग फॉरेस्ट का एग्रीकल्चर का सोयल का तो हम लोग आने वाला बजट में हम लोग प्लान कर रहे हैं काउंसिल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि काउंसिल से जो डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर व फॉरेस्ट जो बजट हर साल में 3 डिपार्टमेंट का 25-30 करोड़ हर साल में आता है, लेकिन वो चीज कहां में यूज होता है, वो चीज हम लोग अच्छा से यूज करने से काउंसिल का रेवेन्यू भी जनरेशन करने के लिए हम लोग सहेगा। क्या में सहेगा, जैसे कि फॉरेस्ट एग्रीकल्चर सोयल उसी में से हम लोग अगर अच्छा से वह थमूल का प्लांटेशन करो वह सुंदर का प्लांटेशन करो वह आगोर का प्लांटेशन अच्छा से करिए तो उसमें अच्छा से प्लांटेशन करने से आज नहीं होने से भी 5 साल बाद में हम लोग अच्छा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि हर साल में 25 करोड़ हम लोग रेवेन्यू एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट सोयल का डेवलपमेंट के लिए आता है, तो उसमें से भी हम लोग काउंसिल रेवेन्यू हम लोग बढ़ाने के लिए रास्ता एक है, तो इसी हिसाब से हम लोग काम करते जाएगा। और साथ में आप लोग का एम्प्लॉई का प्रॉब्लम हर प्रॉब्लम में हम आप लोग का साथ में है, क्योंकि ये जो सैलरी देने के लिए कोई सीएम भी पत्थर नहीं खाया लेकिन हम खाया वो याद रखता है, लेकिन हमने डूब नहीं है दिमाग हासो के लिए काम करने में भी पहले गोली खाया था तब तो दिमाग हासो बना दिमाग हासो का डेवलपमेंट चीज आगे बढ़ा है। तो एम्प्लॉई लोगों का सैलरी 10 महीना और परमानेंट सोल्यूशन के लिए भी पत्थर तो खाया मेरा गाड़ी छोड़ दिया था तो दुख तो नहीं हम दिमाग कुछ काम करने में तो होता रहता है, तो इसलिए आप लोग साथ में मिलके दिमाग हासो को आगे बढ़ना है और आने वाला दिन में हम आप लोग का पास में वोट मांगने के लिए राइट है, हम वोट मांगेगा क्योंकि हम रूलिंग हो गई सीएम हो गई आप लोग का ये प्रॉब्लम सोल्व करने का था ना, तो इसलिए हम तो कोई शरम गरम नहीं है वोट तो हम तो मांगेगा।
लोग रोलिंग होगा, जीतेगा, आप लोग का रिवाइज बोलो, हर प्रॉब्लम स्टेट का सर्विस का बोलो, जिस दिन फाइनेंशियली अच्छा होगा उस दिन में आप लोग का सामना खड़ा होगा साथ में। तो क्योंकि हम लोग एक घर है, एक परिवार है, हम लोग ये काउंसिल हम लोग किस लिए दिया गया है तो आप लोग सब मालूम है, कल्चरल बोलो, लैंड रेवेन्यू बोलो, हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग ये घर को बसाना है। तो ये काउंसिल हम लोग अच्छा से करना है, अच्छा से हम जितना भी अच्छा सोचो आप लोग साथ में नहीं देगा, पीएस से लेके पियोन तक अगर साथ में नहीं देगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पीएस साथ में देने से पियोन सही टाइम में फाइल नहीं ले जाने से भी काम नहीं होगा ना, दो दिन तो लीक हो जाएगा। तो ऐसा माफी हम लोग नहीं होना है। तो इसलिए आप लोग साथ में मिलकर दिमा हासाओं को आगे बढ़ के जाएगा और दिमा हासाओं का हर प्रॉब्लम हर समस्या आगे आगे जो करके गया उसको एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग जा रहे हैं। अभी हर डेवलपमेंट का स्कीम बोलो, हर सैलरी का इश्यू का बोलो, हम लोग ऐसे देखो हवा में नहीं बोला है परमानेंट सोल्यूशन। हम लोग निपको का जो 1975-72 में जो कांग्रेस का समय में निपको को फ्री में दे दिया उसको हम लोग फिर दोबारा एग्रीमेंट करने के लिए हम लोग बातचीत छोड़ रहे आगे बढ़ रहे। दूसरा खाना खाने वाला को मुख में हाथ घुसाई के फिर निकाल के तुम लोग को दिलाता है अभी काउंसिल में। आसाम गवर्नमेंट को 6%, मेघालय गवर्नमेंट का 6% पहले नेपको रेवेन्यू शेयरिंग कटा रहा, उसको आसाम गवर्नमेंट 3% देने वाला को हम लोग का डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा बड़ा हाई लेवल मीटिंग हम लोग गुवाहाटी में 2 बार बैठा, यहाँ भी बैठा, उसका थ्रू से 3% और आप लोगों का ग्रेजुटी टोटल 16 करोड़ है उसको ईयरली वाइज हम देगा। और साथ में आप लोग का बीआरएस आने वाला बजट में आप लोग का रिफ्लेक्ट होगा, आने वाला बजट में आप लोग का फंड देगा। हम लोग हाई लेवल एमएलए साथ में मिलके हम लोग बातचीत हो गया है। तो इसलिए हम लोग अभी छिला के बोलता है टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हम लोग करने के लिए रास्ता निकाल दिया है। तो कोई कोई लोग जो भी खड़ा भगवान अच्छा ही खड़ा है क्योंकि बीच में हम लोग आप लोग का जुबान दिया था दुर्गा पूजा में जैसे भी देगा, लेकिन कुछ कारण से आसाम सरकार का पूरा मदद मिला और मेरा ईएम पूरा पियोन का जैसे सैम्बुल संसद सेक्रेटरी में दौड़ा, हम भी दौड़ा, दिन में एक बार दो बार आपबन मारा तो भी खड़े नहीं सका। क्यों? क्योंकि जो भी हो आप लोग को दुर्गा पूजा में अगर पेट्रोल दे देता रहा तो आप लोग कितना खर्चा करते था दिवाली में, लेकिन अभी तो हम विश्वास रखता आप लोग सही जगह में लगेगा। कोई का रेन होगा, कोई का लोन बैंक लोन होगा, कोई घर बनाने मांगता, कोई अच्छा लोगों का अच्छा स्कूल देने मांगता होगा, आप लोग अच्छा खामे लगेगा। आप लोग का मेहनत है, आप लोग का 10 महीना का भूखा खाना को आप लोग एक साथ में दिया, हम भी खुश नहीं होके भी सीएम होके आप लोग को ये काम करने मिला, समय दिया भगवान से, इसलिए हम भी बहुत खुशी है और हम सबको आप लोग का विश्वास है। क्योंकि दिमा हासो में इस मान में 100 करोड़ दिमा हासो में घर घर में पब्लिक का पास में पैसा पहुंचता है, यहाँ ने 77 करोड़ 41 लाख और लुमको एपीसीसीएल का वहां में 24 करोड़ दोनों मिला के कितना हुआ है 101 करोड़ दिमा हासो का पब्लिक का पास में, कोई ऑफिसर का पास में परसेंटेज नहीं, कोई किसी का पास में टैक्स वैक्स नहीं, डायरेक्ट आप लोग दिमा हासो का पब्लिक का पास में जाता है। तो वो चीज हम लोग अच्छा से आप लोग हम विश्वास है अच्छा से आप लोग यूज करेगा क्योंकि एम्प्लॉई वाला लोगों ने अपना पैसा कैसे यूज करना है आप लोग मालूम है। और कुछ लोग आज में सेशन में बहुत अच्छा लगा, सबसे कम टाइम सेशन होने वाला आज का दिन होगा। क्यों? माने कोई सेशन में क्वेश्चन करने के लिए है ही नहीं, हम इसलिए बोला नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मिनट का सेशन करेगा हम बोला है क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी आया ही नहीं कोई भी क्योंकि करने के लिए है ही नहीं। तो माने प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सेशन में भी ऐसे लग रहा है। इसलिए हम सेशन में भी फर्स्ट टाइम कम समय में सेशन मिला और सबसे उम्र कमती में भी सीएम मिला और सबसे 2 कंसेशन जीतने वाला हम ही मिला है। तो इसलिए भगवान से हमको कुछ तो माने मदद किया, आप लोग भी मदद किया। तो इसलिए हम आशा रखते हैं कि आने वाला दिन में दिमा हासाओं का आसाम का एक टूरिज्म प्लेस बनाने में आप लोग सब साथ में देगा, सब साथ में देगा बोल के हम विश्वास भी है। और आने वाले दिन में हम लोग का एमएलए जैसे वाला हम लोग मिलना है, हमको अच्छा अच्छा एडवाइस देता है। कोई दिमा हासाओं का असेंबली में बा मिनिस्टर बा गवर्नर उन लोग का साथ में मिलने में भी हमका साथ में जाके आज का दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। और आज में
गांवपुरा लोगों का, उन लोगों का पहले 75 था मंथली, और कभी कभी काउंसिल जन्मदिन में फाउंडेशन दिन फाउंडेशन डे में कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता रहा। लेकिन आज का दिन में दिमा हासाओ का जितना भी गांव का गांवपुरा उसके लिए 1500 महीना में 1500, और हम लोग इस पर 8 महीना का एक साथ उल्लू को भी देता है हम लोग, तो 8 महीना का एक साथ में देता है। तो ऐसा माफी अभी नॉर्मल सेक्टर का जैसा साथ में गांवपुरा लोगों भी हम लोग सैलरी देगा, क्योंकि गांवपुरा लोगों कितना साल से गांव बना के रखा, माटी दखल करके रखा, उन लोग है बोल के आज का दिन में हम लोग भी भारत सरकार जो काउंसिल देने में हम लोग भी मिला है। उन लोग समाज देखभाल करता है, समाज चलाता है, इसलिए हम लोग आज का दिन में काउंसिल मिला है। तो इसलिए गांवपुरा लोगों को भी हम लोग रेस्पेक्ट देके इज्जत देके महीना में आगे में 75 रुपीज वाला को अभी महीना में 1500 कराया, और इस बार 8 महीना का एक बार में हम लोग दिया आप लोग का साथ में। तो ऐसा माफी, और साथ में हम लोग ईएम लोगों को भी थोड़ा पहले सेशन में लिमा के वो एमएससी साहब क्वेश्चन किया था, हम लोग हमारे पीएमसी भी सैलरी कम है, ईएमसीएम का कितना है बोला, हम भी पूछा, हम भी अपना वेतन नहीं पूछता है, क्योंकि सीएम का भी 9000 ना कितना है, और एमएससी लोगों का 4000 है, मेंबर लोगों का 4000-5000 है। तो मेंबर ईएमसीएम को भी हम लोग सैलरी बढ़ा दिया, जैसे घर चलने के लिए सोचता है ऐसे माफी। एमएससी लोगों का कितना था, एमएससी का 5000, अभी पहले 5000 था, अभी 20000 हो गया, और सीएम का भी थोड़ा बढ़ गया, अभी 25000 हुआ, सबसे हाईएस्ट काउंसिल का चेयरपर्सन को भी बढ़ा है 35000, और ये लोगों का 25000। तो ऐसा माफी, हम लोग कोई ऑपोजिशन नहीं देखा, कोई जात फरक नहीं देखा, कोई धर्म नहीं देखा, एक साथ हम लोग का बीजेपी का स्लोगन है सबको साथ सबको विकास, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करके जा रहे हैं। और सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी, और असम में सर्बानंद सोनोवाल जी, और डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा मिनिस्टर साहब जी, उन लोग का आशीर्वाद से हम ये बात बोलने के लिए हम लोग मिला है, क्योंकि सेंट्रल प्रोजेक्ट बोलो, जहां भी बोलो, दिमाग हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप लोग का साथ में हम तो सिलाई के बोलेगा, बूट मांगेगा और बूट देने होगा आप लोग, ठीक है। इसलिए ज्यादा नहीं बोल के छोटा सा भाषण हम यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जीवाई।